بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمن بالخير امين يا رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم السلام عليكم اجل انت عليك كيك السلام ورحمة आप ही हो गए यार सर से <laughs> मेरे इंट्रोडक्शन से पहले मेरे साथियों का इंट्रोडक्शन ये हमजा भाई हैं इन शाला यहाँ टाइटल नहीं आएगा हमजा और ये कहाँ ये हमेशा हेडफोन लगा के रखेंगे क्योंकि आवाज़ चेक कर रहे होते हैं कि कहीं पे वो ना आ जाए और ये साद मलिक है माशाल्लाह मेरे सीनियर एडिटर और माशाल्लाह से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और मैं ना चीज़ मुजम्मिल अहमद मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपना इस क्लास को शुरू करने से पहले आ, मेरी जो डिग्री है अक्सर लोग पूछते हैं कि आ, आप कौन हैं क्या है सबसे पहले ये चीज़ इन शाम मैं मैंने सोचा कि मैं बता दूं सबसे पहले तो मैं तो स्टूडेंट हूँ ऑफकोर्स स्टूडेंट ऑफ नॉलेज और हमेशा से रहेंगे और आ, मैं तकरीबन 2018 से ऑन एंड ऑफ अरबीक ग्रामर और ये जो आपकी सामने किताब है वो पढ़ा रहा हूँ और अल्लाह के फजल से आ, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये आप मेरा आप लोगों के साथ छठा बैच है जो कि मैं वो शरीक इस तरह से रिकॉर्ड करवा रहा हूँ वाले रिकॉर्डेड नहीं है आ, इस तरह से तो मैंने सोचा कि एक दफ़ा ही इन ये क्लास बनाई जाए और इसको अपलोड किया जाए और, का तमाम अपनी तरफ़ से छोटी सी कोशिश की जाए इन शाह होता अब आ जाते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ के मैं आपके सामने एक दर्स पढ़ने वाला हूँ जल्दी से इन शाला आपकी स्क्रीन पर भी आएगा और ये दर्ज जो है ना काफ़ी एडवांस क्लास का है मैं सिर्फ इसको रीड करूंगा और वो इस वजह से होगा कि आप इस क्लास के एंड तक इस काबिल हो जाएंगे कि आप ये समझ सकें और ये इस वजह से कि जब आप शुरू में आपको पता होना कि अच्छा मुझे कुछ नहीं आता था और बाय द एंड ऑफ दैट आप दोबारा से उसको रिवाइज करते हैं कि अच्छा ये तो मुझे पता नहीं था और मैंने क्या इम्प्रूव कर लिया कितना मैंने सीख लिया है तो ये आपके लिए बड़ा इनशाला अच्छा एक हुक होगा मैं जल्दी से ये लेसन पढ़ता हूँ और फिर इनश्ला हम अपनी बात यहाँ से कंटिन्यू करते हैं आपकी स्क्रीन पर देखिए इन ये एक एडवांस लेक्चर है إن آه بسم الله الرحمن الرحيم أخذت من والدي عشرين ريالاً وذهبت إلى المكتبة ووجدت في المكتبة كتاباً جيداً عن الإسلام فاشتريته وأعطيت البائعة عشرة ريالات وعدت إلى البيت سعيداً لأنني أستطيع الآن لأنني أستطيع الآن أن أفهم ديني جيداً يتحدث الكتاب عن أشياء كثيرة في الإسلام، يتحدث عن أركان الإسلام عن أركان الإسلام الخمسة وهي وهي الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، ويتحدث أيضاً عن هجرة المسلمين من مكة إلى الحبشة وإلى المدينة، ويتحدث الكتاب عن المسجد فهو مكان الصلاة والدراسة عند المسلمين، وقرأت في الكتاب عن تاريخ الإسلام लाक़त ख़र असल मिनमदी थी वंता शरफ़ी कुल लीमा क्या ने तो ये मैंने एक दर्ज पढ़ा इनशा जब आप ये फर्स्ट बुक ख़त्म करेंगे तो इस कबिल हो जाएंगे कि इन शाला आप इसको नाइन्टी नाइन नाइन्टी फाइव से नाइन् नाइन परसेंट इन शेल्ला ये इन्शाला। इन्शाला। आ, ये आप लोगों से भी मैं कह रहा हूँ और मैं इनशाला इस इस बात के पीछे बड़ा फर्म हूँ इनशाला कि आप इनशाला इसके काबिल हो जाएंगे तो ये आपके सामने मैंने एक बता दिया अक्सर लोग पूछते हैं कि हम क्या सीखेंगे आप ये सीखेंगे ठीक है ना अब जो दूसरा मोस्ट पूछे जाने वाला सवाल मुझसे पूछा जाता है कि क्या हम इसमें बोलने के भी काबिल हो जाएंगे क्या हम बोल भी सकते होंगे तो मैं आपको ये बस ये बताना चाहता हूँ क्विकली कि किसी भी ज़ुबान के सीखने के लिए इन्हें चार चीज़ें होती हैं चार मुख्तलिफ़ चीज़ें एक होती है राइटिंग कि क्या आप किसी ज़ुबान को लिख सकते हो लेट्स से चाइनीज़ की एग्जांपल लें हम अगर हम चाइनीज़ सीखना चाहते हैं तो क्या मैं उसको लिख सकता हूँ लिखने के लिए आपको चाइनीज़ लेटर सीखने पड़ेंगे फिर उसको समझना पड़ेगा कौन सी आवाज़ कौन सा लेटर कौन सा साउंड देता है और इस तरी चीज़ें फिर होती है रीडिंग uh, ना सिर्फ उसको uh, उसको लिखना बल्कि पढ़ भी पाना क्या उसको पढ़ सकते हैं आप क्या हम चाइनीज़ पढ़ सकते हैं आप पढ़ सकते हैं शायद लिख ना पाए ठीक है फिर आता है उसका लिसनिंग uh, लिसनिंग क्या कोई चाइनीज़ बोलता है तो आपको समझ में भी आ रही है क्योंकि जब कोई चाइनीज बोलता है तो उसके नीचे सब नहीं चल रहे होते ठीक है ना तो आपको क्या वो समझ भी आ रही है और चौथी है स्पीकिंग ठीक है इसका ये जो अरेंजमेंट है कोई भी हो सकती है लेकिन ये चार चीज़ें होती हैं इस बुक में हमारा क्या गोल है राइटिंग इनशाला मैं अभी से इस बात मेरा तो वो है कि माशाल्लाह आप लोगों को और आप लोगों को भी तो अरबी और उर्दू से कुछ तो वाकफियत है और उर्दू और अरबी की लिखाई तकरीबन सेम है तो ये पार्ट इनशाला बहुत ईज़ी आप लिख पाएंगे रीडिंग वाला पार्ट को हमें स्ट्रॉग करना है क्योंकि आप कुरान जीदी रीड करेंगे और आपका गोल भी यही है ठीक है ना लिसनिंग वाला पार्ट आप बहुत अच्छे से अचीव कर पाएंगे क्योंकि आपने कुरान सुनना होगा तरावी में नमाज़ में रहेगी बात स्पीकिंग की अब आप ख़ुद से पूछें कि आपने स्पीकिंग कितनी ज़रूरी है आपके लिए और स्पीकिंग का हाल वही होगा कि जैसे जितनी अच्छी आप इंग्लिश बोल लेते हैं आप में से अक्सर लोग हमें से अक्सर लोग दस दस साल अंग्रेजी बोलने के बाद भी इस काबिल नहीं हो पाते कि वो सही से किसी अंग्रेज़ के सामने या किसी दो लोगों के सामने इंग्लिश बोल पाएं लेकिन ये होता है कि आपके दिमाग में वो आ रही होती है कि मैं बोलो ये बोलो ये बोलूँ ठीक है ना तो ये ऐसा ही होगा लेकिन ये भी आ जाएगी जब आप आपस में इसको बात करेंगे अलकाम अतिबलकाम बोलना बोलने से आता है लेकिन ये हमारा सबसे आखिर में गोल अगर कर लिया तो ठीक है हमारे जो मेन गोल है ना कुरान मजीद को समझने के लिए वो ये तीन है ठीक है ना और इनशाला इस पर ही मेरा फोकस है और ये एक बोनस वाला चीज़ है इनशाला जो जितनी मेहनत करेगा हमारा स्पीकिंग है मतलब जो जितनी मेहनत करेगा जितने जहन अपने आप को खपाएगा उतना ज़्यादा वो इनशाला इसके अंदर अच्छा होता जाएगा और और स्पीकिंग आती है बोलने से ठीक है ना और यहाँ भी हमारे तकल्लम में तो ये क्लासेस होंगी आप पढ़ेंगे एक दूसरे से बातें करेंगे और आपकी कुछ ना कुछ इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी और उसमें भी आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी अच्छा जी अब बगैर इनशाला किसी वक्त को ज़ायक़ किए बगैर हम उस किताब की तरफ चलते हैं क्योंकि आप वेट कर रहे हैं इन ऑफिशियली अपने दर्श को शुरू करने के लिए तो अब मैं आपके सामने वो किताब खोलता हूँ जो हम पढ़ रहे हैं उसका मैं जल्दी से इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ ताकि आपको पता हो कि क्या कौन सी किताब है उसका क्या नाम है कहाँ से मिल सकती है अच्छा जी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इन श्लाबिया तोनाशीन इसका मतलब है अरबी नाश के लिए मुबतदी के लिए जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए ठीक है एक पूरा मनहज है पूरा कोर्स है मनहज कोर्स मतकामिल पूरा का पूरा ले गैर नातकिन इस ज़ुबान के ना बोलने वाले यानी बिलारबी या ग़ैर नातक़ीन ठीक है किताबल यानी स्टूडेंट्स बुक और इसका पार्ट वन है ठीक है अच्छा ये बुक कहाँ से मिलेगी इसके लिए मैं इनशाला कोशिश करूँ कि इस बुक का जो एक तो डाउनलोडेबल है आप इस क्लास के फ़ोर बाद भी इनशल आपको एक लिंक मिला नज़र आ रहा होगा और मेन मेरा जो वेबसाइट का चैनल है वहाँ पर भी जो डाउनलोडेड सेक्शन है या डाउनलोड बुक्स का सेशन है से, सेक्शन है वहाँ से आपको ये बुक भी और एक और बुक इसी तरह की वो है इसकी गाइड बुक ये है तिलमीज़ और वह होगी किताबलम उस किताब में इसके आंसर्स हैं वो भी आप इनशाला ज़रूर डाउनलोड करें क्योंकि इस किताब में कुछ कुछ सफात ना मिसिंग है ये पी जो है तो वो उस किताब में है तो वो वनशाला इस तरह से रिकवर हो जाएगा तो ये दोनों किताबें अब वहाँ पर मौजूद हैं आप वहाँ से डाउनलोड करें इसको प्रिंट आउट लाजमी करें ठीक है ना इसकी एक पहली किस्म को प्रिंट करवा लें और अपने पास रखें और उसको हल करें और मैं इन शरीबी कोशिश करूंगा कि ये फिज़िकली भी बुक की मैं वहाँ प्रोवाइड कर दूं ताकि आप ऑर्डर करवा के अपने पास आप जहाँ भी हैं वहाँ पे मंगवा सकें तो ये हम हमारी किताब है इन चलते हैं अब हमारे इस किताब के दर्ज के ऊपर जब आपके पास ये किताब आ जाए तो आपने इस किताब के डायरेक्टली सफ़ा नंबर पे आ जाना है जो कि तो ये आप देख रहे हैं पेज नंबर थर्टी थ्री आपने डायरेक्ट ये खोलना आप सोचेंगे हम शुरू से क्यों नहीं पढ़े वो इस वजह से कि शुरू में बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं और असल बुक जो है वो यहीं से स्टार्ट हो रही है और वो उन लोगों के लिए हैं जिनको आ, मतलब जो समझें कि हम तो उर्दू बोल लेते हैं जो चाइनीज़ हैं या जिनकी बिल्कुल ही मुख्तलिफ मुख्तलि रस्मख़त है अरबी के साथ उनको वो बुक को समझने तो ऑफिशली जो बुक है वो इस पेज से हो रही है इन अच्छा और ये भी मैंने मेक श्योर sure किया है कि हमारे जो ये दरूस हैं इन शाला वो आ, बस बीस से पच्चीस मिनट के अंदर अंदर हों इन शाला और आपके ऊपर बस यही फ़र्ज़ होगा कि आपने डेली का अगर बीस और पच्चीस मिनट का लेक्चर ले लें ले, यह आपने हजरत तमाम कर दी आज की अगर आप उससे ज़्यादा जाद, ले सकते हैं इट्स तो इट्स अप टू यू लेकिन हर वीडियो इंशाल्लाह बीस से पच्चीस मिनट शायद उससे भी कुछ कम मिनट या थोड़े से ज़्यादा मिनट तो लेकिन पच्चीस मिनट लिमिट होगी हर हर वीडियो की ताकि वो बोरिंग ना रहे और आपके लिए वो 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 दिन में को, कोटा पूरा करना मुकम्मल हो जाए हाँ आप ज़्यादा ले सकते हैं तो इट्स अप टू यू लेकिन आपने इंशाल्लाह मेक श्योर करना है बीस मिनट का जो हम ये पार्ट बना रहे हैं उसको आपने लाजमी इंशाल्लाह ज़रूर सुनना है और एक और चैलेंज मैं छोटा सा आपको देना चाहूँगा कि आपने सिर्फ़ एक महीना मुझे देना है इस दुरुस् को अगर आपको लगे कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आती ना तो पैसे वापस पैसे वापस नहीं दे सकते नहीं, नहीं। <laughs> लेकिन यह है कि इनशाला जरूर इम्प्रूवमेंट होगी पैसे वापस वाली मतलब मुहावरत है था पैसे वापस मजा आया तो पैसे वापस इनशाला तो आपके ये आपके ऊपर गुल्हाँ ये चैलेंज है कि जो आप में से पहले सौ लोग इस किताब को ख़त्म करते हैं तो उनके लिए इनशाला इस बुक टू का जब हम कोर्स लाएंगे तो ख़ास कंसेशन होगी वो स्कॉलरशिप होगी उनके लिए नेक्स्ट बुक के लिए तो ये आप लोगों के लिए चेहरे बुक टू फ्री हो जाएगी उनके लिए फ्री नहीं होगी स्कॉलरशिप बताऊँगा <laughs> क्या होगी इंशाल्लाह वो फ्री की इक्वली हो जाएगी इनशाला ठीक हो गया अब आ जाते हैं इनशाला जल्दी से आज के दर्श के ऊपर